तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में क्या कुछ कह रहे हैं। सीधा रुख वहीं का। इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर अगर इन 75 सालों में सबसे ज्यादा राज किया है तो वो कांग्रेस ने किया है, और कांग्रेस ने गरीबी हटाने का नारा दिया है, कभी किसान के साथ धोखा देने का काम किया है, तो कभी पीड़ित आदिवासी भाइयों को सपने दिखाने का काम किया है, लेकिन कभी उन्होंने गरीब से नाता जोड़ने का काम नहीं किया। कभी मेरे आदिवासी भाई का कि वो कैसे किस तरह से रह रहा है उसकी तरफ देखने का काम नहीं किया। किसानों के साथ में उन्होंने झूठे वायदे तो किए, लेकिन किसान की कभी वायदे पूरे नहीं किए। ये कांग्रेस सरकार ने हमेशा मेरे भाइयों को छलने का काम किया है, छलने का काम किया है। मैं मित्रों आपसे निवेदन करना चाहता कि 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण की परिभाषा बदलने का काम किया है, और आपने देखा है 2014 के बाद जिस तरह से अंत्योदय की योजनाओं से लेकर के मेरे आदिवासी भाई के गांव तक योजना पहुंचाने का काम किया है। अगर माता बहनों को अगर समस्या का समाधान करने का काम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारी माता बहनें रात्रि का इंतजार करती थी, सुबह जल्दी जाती थी, जब उनको शौच की पीड़ा होती थी तो उनको कितनी परेशानी होती थी, लेकिन मेरी माता बहनों को शौचालय बनवा करके उनको सम्मान देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों मैं आपको बताना था, मेरा वो गरीब भाई, मेरी वो माता, अरे बैंक में जाने की कभी बैंक की चौखट पर घाटे की तो बात छोड़िए, बैंक की चौखट पर कभी पाँव नहीं रख पाती थी। अगर उन्होंने बैंक में सभी का खाता खुलवाने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। बारिश के समय में बड़ी दिक्कत होती थी, खाना बनाने में बड़ी दिक्कत होती थी, हमारी माता बहने जो ईंधन था उसको सुरक्षित स्थान पर रखती थी, उनको हमेशा ईंधन की चिंता रहती थी कि हमें किस तरह से करना है। लेकिन आपने देखा होगा ईंधन की आवश्यकता होती थी तो माता बहनों को बहुत बड़ी आवश्यकता थी, लेकिन माता बहनों को उज्ज्वला के माध्यम से गैस कनेक्शन देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चाहे गरीब कल्याण हो, चाहे विकास हो, चाहे सीमाओं की सुरक्षा हो, चाहे दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, अगर ये किसी ने काम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, अभी 4 महीने पहले आपने राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनने का काम किया है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 4 महीने में जो हमने काम किया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह से हमने हमारे संकल्प पत्र में जो आपसे वायदे किए थे हमने एक एक वायदा पूरा करने का काम किया है। कुछ नहीं होगा रहने दीजिए, अब नहीं आएंगे हम, आराम से सुनिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमने हमारे उस आदिवासी भाई की पीड़ा को समझा है, हमारे आदिवासी भाई का किस तरह से जीवन स्तर ऊपर उठ सकता है, उसको समस्याओं से कैसे निजात मिल सकती है,
इन सारी बातों को लेकर के हमने जो आपके बीच में बातें रखी हैं, जो हम आपसे कहना चाहते हैं वो इतना कहना चाहते हैं मेरे भाई और बहनों, हमने आपसे वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो किसान सम्मान निधि बढ़ाने का काम करेंगे। हमने पहली कैबिनेट में आपकी किसान सम्मान निधि 6000 रुपए केंद्र से मिलती है कि नहीं मिलती है? अरे सम्मान निधि मिलती है कि नहीं मिलती है? आपके खाते में पैसा आता है कि नहीं आता है? अरे बताओ जरा मेरे भाइयों, आता है क्या? आता है? हमने उसको 2000 रुपए बढ़ा करके 8000 रुपए करने का काम किया है। 8000 रुपए करने का हमारे किसान की गेहूं की एमएसपी बढ़ाने का वादा हमने आपसे किया था, 2275 रुपए था, हमने 125 रुपए बढ़ा करके 2400 रुपए करने का हमारी सरकार ने किया है। किसान का 2400 रुपए करने का काम हमारी सरकार ने, कहीं आपने हमसे मांग की थी क्या? अरे कहीं मांग की थी क्या आपने? अरे हम किसान की पीड़ा को जानते हैं, इसलिए हमने बढ़ाने का काम किया है मित्रों, बढ़ाने का काम किया है। हमने देखा यह महाराणा प्रताप का क्षेत्र है, राणा पुंजा का क्षेत्र है, इस राणे महाराणा प्रताप और राणा पुंजा के क्षेत्र में पर्यटन का विस्तार होना चाहिए, पर्यटन का विस्तार होना चाहिए। हमने 100 करोड़ रुपए महाराणा प्रताप और राणा पुंजा के पर्यटन के विकास के लिए हमने आपके क्षेत्र को दिया है, आपके क्षेत्र को देने का काम किया। हमने कहा हमारा उदयपुर राजस्थान का कश्मीर है तो उदयपुर का कश्मीर हमारा झाड़ौल है, हमारा झाड़ौल है। यह पर्यटन को क्षेत्र में काफी संभावना है, हमारे इस क्षेत्र में पर्यटक का बढ़ावा देने के लिए हमने 300 करोड़ रुपए की योजना बनाई। 300 करोड़ रुपए की पहले चरण में 300 करोड़ रुपए की योजना बनाते हुए इस क्षेत्र का पर्यटन का विकास होगा। उदयपुर के जेलों में तो लोग आते हैं, लेकिन मेरे पूरे उदयपुर में अगर पर्यटन होगा तो यहाँ से हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारा युवा उस रोजगार मिलेगा तो हमारा घर पर रहकर के काम करेगा। इसके लिए हमने 300 करोड़ रुपए इस पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए काम किया है। मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारे सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो हमारी माताओं को हमारे बुजुर्गों को मिलती है वो 1000 रुपए मिलती थी, सरकार ने बढ़ाने का काम ही नहीं किया। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहली किस्त में हमने 1000 रुपए से 150 रुपए बढ़ा करके 1150 रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारे जनप्रतिनिधियों को पंचायत के या निकाय के जनप्रतिनिधियों उनका भत्ते भी 15% बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में जो हमने आपसे एक एक वायदा किया, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे, एक एक वायदे को पूरा करेंगे। हमने कहा था राजस्थान के अंदर जिस तरह से नकल माफिया नकल का सौदा करते थे, हमारे उन युवाओं का सपना तोड़ने का काम करते थे, हमारे उन युवाओं के आंखों में आंसू लाने का काम करते थे, 19 पेपर हुए थे जिसमें से 17 पेपर लीक हुए थे, हमने कहा ऐसे लोगों ने जो युवाओं के साथ कुठाराघात किया है हम उनको छोड़ने वाले नहीं है। हमने एसआईटी का गठन किया और हमारी एसआईटी ने काम प्रारंभ कर दिया। हमने हमारी उस एसआईटी ने 85 से 90 लोगों को गिरफ्तार करने का काम किया है, 90 लोगों को गिरफ्तार काम। अरे बहुत बड़े बहुमत के साथ झाड़ों से जिताना है ना,
उदयपुर लोकसभा से चिंता करके कमल का फूल भेंट मोदी जी को करना है ना, तो हाथ खड़े करिए, अपने दोनों हाथ खड़े करिए और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो मैं उनको दुपट्टा पहना दो, रावण जी को दुपट्टा पहना दो, आप सभी की सहमति है, हर बूथ से चिता करके भेजेंगे, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाना है, 370 वोट हर बूथ पर बढ़ाना है। और कल का आपने देखा होगा, कल का जो 12 लोकसभाओं का चुनाव हुआ है, उस 12 लोकसभाओं में भारतीय जनता पार्टी 12 की 12 सीट जीत रही है, 12 की 12 सीट जीत रही है। चार सीट में जब रेट आएगा तो राजस्थान की 25 की 25 सीट जीतेंगे। 2014 में भी 25 सीट जिताने का काम किया, 2019 में भी 25 सीट जिताने का काम किया और 2024 में भी राजस्थान 25 की 25 सीट जिताने का काम करेगा। 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो राजस्थान की 25 की 25 सीट जीतेंगे। और अब की बार फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। तो मैं मन्नालाल जी को दुपट्टा पहना दो, तो जोर से ऊपर से हाथ खड़ा करिए और बोलिए नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, उदयपुर में मुकाबला मन्नालाल रावत वर्सेस ताराचंद मीणा है और मन्नालाल रावत के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जनसभा को संबोधित कर रहे थे। एक बार फिर से मोदी सरकार का नारा उन्होंने लगवाया है, अब की बार 400 पार का नारा किस तरीके से साकार हो, कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं से लगातार यही आह्वान किया जा रहा है कि आप जुट जाइए तैयारियों में, क्योंकि पहले चरण का मतदान जिस तरीके से हुआ, हल्की सुस्ती जरूर नजर आई, लेकिन दूसरे चरण के लिए मतदाताओं में उत्साह और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने का काम भी मुख्यमंत्री ने अपने भाषण से किया है।